और तुर्किया के जनूबी शहर हताय में एक मरतबा फिर जलजिले के झटके। जलजिले की शिद्दत 6.4 और 5.8 रिकॉर्ड की गई। दो हफ्ते से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का इख्तिताम करें। तुर्किया में जलजिले से हलाकतों की तादाद 41,000 से तजावुज़ हो गई। जख्मी अफराद की तादाद 10,00,000 से जायद हो गई। शाम में जलजिले से जानबाँक अफराद की तादाद 58,000 से जायद है। जलजिले से मुतासरा तुर्किया और शाम में हलाकतों की तादाद मजमूई तौर पर अब तक अमवात की तादाद 46,500 हो गई है। तुर्किया के जनूबी शहर हताय में एक बार फिर जलजिले के झटके। जलजिले का मरकज सूबे हताय में जेर जमीन 2 किलोमीटर गहराई में था। जलजिले की शिद्दत 6.4 और 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के नए झटके अंताकिया और अडोना तक महसूस किए गए। दूसरी जानिब तुर्किया में इमदादी काम का इख्तिताम होने लगा। बैनुल अक़वामी रेस्क्यू टीमों ने वतन वापसी का आगाज कर दिया। वापस जाने वाली टीमों को एयरपोर्ट पर तुर्क बाशिंदों ने जबरदस्त तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करके रुख्सत किया। तुर्किया में 2 सूबों हाते और खरामान मार्स के सिवा तमाम मुकाम से रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म कर दिए गए। तुर्किया हुकाम के मुताबिक 10,594 इमारात को नुकसान पहुंचा है और वो अब नाकाबले रिहाइश हैं, जिन्हें जल्द ही मुनहदम कर दिया जाएगा। जबकि 20,662 इमारत पहले ही मुनहदम हो चुकी हैं, जिनमें रिहायशी 3,84,500 यूनिट से। तुर्की जलजले के मलबे से रेस्क्यू टीमों ने $2 मिलियन यानी के पाकिस्तानी 53 करोड़ रुपए की रकम बरामद की है। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।